पुलिस ने अंतर्राज्यीय ठग गिरोह के दो सदस्यों को बाहर के नालंदा से पकड़ने में बड़ी सफलता हासिल की है। आरोपियों ने लेंस कार्ड शोरूम की फ्रेंचाइजी दिलाने के नाम पर 13,81,000 रुपयों की ठगी की थी। वहीं पुलिस ने आरोपियों के पास से 2,72,000 रुपए नगद और घटना में उपयोग किए सामान को जब्त किया है। दरअसल 26 अप्रैल को ब्रह्म रोड निवासी प्रणय शेखर के पास अज्ञात नंबर से फोन आया और लेंस कार्ड शोरूम खुलवाने की बात कहते हुए पीड़ित युवक को अपने झांसे में ले लिया और युवक से 13,81,800 रुपए की ठगी कर ली गई। ठगी का एहसास होने पर पीड़ित युवक ने कोतवाली थाने में पहुंचकर FIR दर्ज करवाई। इधर पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए कोतवाली पुलिस और साइबर सेल की विशेष टीम बनाकर पता साजी में जुट गई। वहीं ठगी के दो आरोपियों को बिहार के नालंदा से गिरफ्तार कर अंबिकापुर लाई है। आरोपी ठगी के कई मामले में जेल भी जा चुके हैं। आरोपियों के पास से 2,52,000 नगद, वहीं घटना में उपयोग कंप्यूटर सेट, लैपटॉप, 15 मोबाइल, ATM कार्ड, बैंक पासबुक, लेमिनेशन मशीन सहित वेब कैमरा सामान पुलिस ने जब्त किया है। फिलहाल पुलिस ने दोनों आरोपियों को ठगी के मामले में विभिन्न धाराओं के तहत अपराध दर्ज कर जेल भेज दिया है। ये गत मास 26 तारीख को हमारे पास प्रणय शेखर की एक शिकायत आई थी, जिनका लेंस कार्ड फ्रेंचाइजी के नाम से 13,00,000 रुपए ठगी की गई थी। पिछले एक महीने में इसको हमने एक संयुक्त टीम बनाई थी इंस्पेक्टर विजय के अंडर में, 11 लोगों की टीम जो इसके डिटेक्शन में लगी थी, उसको सफलता प्राप्त हुई है। इसमें दो लोगों को हमने गिरफ्तार किया है, आयुष राज और अमरजीत कुमार, जिनको नालंदा बिहार से गिरफ्तार किया गया है, और इनके पास में से 15 नग मोबाइल फ़ोन, जो ऑपरेटिंग डिवाइस जिससे ठगी की जा रही थी, और 2,52,000 रुपये कैश रिकवर किया गया है। टोटल मोडस ऑपरेंडी ऐसी है कि इस गिरोह में कुछ लोग हैं जो फेक वेबसाइट्स के माध्यम से फ्रेंचाइजी नाम के नाम से फेक वेबसाइट्स को क्रिएट करते हैं। वो फिशिंग वेबसाइट्स है जिसमें कस्टमर का जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है वो ले ली जाती है और उसी इंफॉर्मेशन को मिसयूज़ करते हुए कस्टमर को भरोसा दिलाया जाता है कि आपकी जेन्युइन ये हैं, जिससे या तो कस्टमर इनको लुभावने में आके पैसा ट्रांसफ़र कर देता है इन द नेम ऑफ फ्रेंचाइजी, या फिर अपना जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, OTP, अदर बैंक अकाउंट डिटेल्स, वो शेयर कर लेता है, जिससे जो विक्टिम है उनके अकाउंट्स कॉम्प्रोमाइज़ हो जाते हैं। इस गिरोह में दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है और अन्य लोगों की भी संलिप्तता मालूम हो रही है, जिसमें कुछ वेब डेवलपर भी इन्वॉल्व हैं और साथ में कुछ ये जो वेब डेवलपर है दिल्ली में और बंगाल में, कुछ लीड्स मिल रहे हैं हमको, जिसमें भी फर्दर कार्रवाई की जा रही है। और विशेष बात ऐसी है कि इस गिरोह में जितने भी लोग सक्रिय हैं वो आपस में अनोनिमस हैं, उनकी आपस में जो बातचीत है वो केवल फ़ोन और व्हाट्सएप के माध्यम से है, और जो आरोपी हैं उनको भी आपस में दे आर अननोन टू ईच अदर, तो कम्प्लीटली अनोनिमस वे में ये पूरी घटना कारित की जा रही है।